हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो हाउ टू से इन इंग्लिश। ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे कहें, जैसे वह बहुत दुबला पतला है, उसकी कमर पतली है, उसकी हालत पतली है। तो ऐसे वाक्य हमें अपने डेली लाइफ में सुनने को मिलता है और हम लोग बोलते भी हैं। तो चले देखते हैं ऐसे वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा गया है, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग ऐसे वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर अदर वर्ड लिखेंगे जो पतले दुबले कमज़ोर होने के लिए लिखा जाएगा। तो देखिए पहला वाक्य है, ये कपड़े बहुत पतले हैं, ये कपड़े बहुत पतले हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, दीज क्लोथ्स आर थीन, दीज क्लोथ्स आर थीन, ऐसा कह रही हैं। अगला वाक्य देखिए, उसका कमर बहुत पतला है, उसका कमर बहुत पतला है, ऐसा कोई कह रहा है उसको। ही हैज ए स्लाइम वेस्ट, ही हैज ए स्लाइम वेस्ट, यानी उसके पास पतला कमर है। अगला वाक्य देखिए, उसकी हालत पतली है, उसकी हालत पतली है। सी इज इन ए क्रिटिकल कंडीशन, सी इज इन ए क्रिटिकल कंडीशन। अगला वाक्य देखिए, उसकी आवाज़ पतली है, उसकी आवाज़ पतली है। हिज वॉइस इज थीन, हिज वॉइस इज थीन। गाइस आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसे वाक्य कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ समझ में आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम लोग नए नए एडवांस इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते लिखते सीखते हुए चलेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।